नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप लोगों के बीच हर दिन की माफिक आज भी एक बायोग्राफिक लेके आया हूँ। बायोग्राफिक इंपॉर्टेंट, रोचक, रोमांटिक के साथ साथ काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। तो दोस्त वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें वीडियो को। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो में जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्त आज मैं बात करता हूँ कि एक मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी को बदल देती है। तो इसी बात पर आज पूरी वीडियो को देखेंगे। करण कपूर कि पूरी आज बायोग्राफिक इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, पूरी जानकारी लेना है आपको इस बायोग्राफिक में, और अंत तक देखें वीडियो को। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। आइए मैं देर न करते हुए बायोग्राफिक को शुरू करता हूँ। आइए दोस्त जानते हैं महान अभिनेता करण कपूर की पूरी बायोग्राफिक। करण कपूर एक भारतीय अभिनेता और एक महान फोटोग्राफर हैं जो एक अनुभवी अभिनेता शशि कपूर और मां जेनिफर कंडल के बेटे हैं। वह पूर्व फिल्म अभिनेता और एक मॉडल भी हैं। करण कपूर का जन्म 18 जनवरी 1962 को हुआ था, जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपना करियर बनाया है, जैसे फिल्म और टेलीविज़न, मॉडलिंग और फोटोग्राफर में भी अपना काफ़ी सफलता हासिल की है। करण कपूर की फिल्म इंडस्ट्रीज में मजबूत जुड़े हैं क्योंकि उन्हें पैतृक रिश्तेदारी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, और उनके पैतृक पक्ष में उनके दादा पृथ्वीराज कपूर और चाचा राज कपूर और शम्मी कपूर महान अभिनेता थे, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया था, जबकि उनके बड़े भाई कुणाल कपूर और एक छोटी बहन संजना कपूर ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें ज़्यादा असफलता मिली, साथ ही साथ उन्हें कई सारे चीज़ों में असफल भी रहना पड़ा था। करण कपूर के नाना जेफ्री कैंडल और लारा कैंडल जो दोनों अभिनेता थे, और अपने थिएटर ग्रुप शेक्सपियर में के साथ भारत और एशिया देशों का दौरा किया है। तो दोस्त बात करूँ इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी योगदान रहा है कपूर खानदान की। वैसे ही कपूर खानदान के एक चिराग करण कपूर भी हैं। अपने करियर की शुरुआत में करण कपूर सबसे प्रसिद्ध मॉडल थे और उन्होंने मुंबई इंडस्ट्रीज विज्ञापन थिएटर जैसे कई उल्लेखनीय ब्रांडों के लिए काम किया था और फिल्मों में भी काम किए हैं। उन्होंने 1986 में रिलीज हुई फिल्म सल्तनन में काम किया है, और बात करूं दोस्त जिसमें उनके साथ उन्होंने जूही चावला के साथ काम किया है। बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित अभिनेता धर्मेंद्र के साथ फिल्म लोहा में भी काम किए हैं। करण कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जुनून नाम की फिल्म से की है, जो 1982 की सर्वश्रेष्ठ रिलीज थी और उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। फिल्म का निर्देशक श्यामा बेनेगल ने किया था, जिसमें उनके माता पिता और भाई बहन थे। इसके साथ उन्होंने अपने माता पिता के प्रोडक्शन में 36 चुरंगी लेन में काम किया है, जो 1981 में रिलीज हुई थी। वर्तमान में करण कपूर ब्रिटेन में एक फोटोग्राफी कंपनी में चलाते हैं, जबकि उनकी बहन संजना कपूर पृथ्वी थिएटर्स चलाती है, और उनके भाई जो पहले हिंदी सिनेमा में काम करते थे वर्तमान में विज्ञापन कंपनी में विज्ञापन फिल्में चलाती हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न ब्रिटिश टेलीविज़न श्रृंखलाओं में काम किया है, जिनमें द ज्वेल इन द क्राउन शामिल है, जिसे 1984 में प्रसारित किया गया था, और अन्य जो देखने के लिए साझा करने लायक है। 25 साल के ब्रेक के बाद करण कपूर भारत लौट आए और उनकी फोटोग्राफी प्रदर्शनियों टाइम एंड टाइट का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में प्रदर्शन 2016 में मुंबई भारत में आयोजित की गई थी। बाद में उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित किया और दिल्ली, कोलकाता, जयपुर
और अन्य जगहों पर बाद में उन्होंने अपने फोटोग्राफर करियर में जुनून के साथ काम किया करना जारी रखा और फोटोग्राफर के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हासिल किया। उपलब्धियां की बात करूं करण कपूर की, तो अपनी अन्य उपलब्धियों में करण कपूर ने अपनी तस्वीर ओल्ड कपल के लिए पीपुल्स लाइफ स्टाइल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार 2009 में जीते थे। व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो करण कपूर ने अंग्रेजी मॉडल लॉर्न टार्लिंग से शादी की है, लेकिन अब यह जोड़ी अलग हो गई है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है जिसका नाम आलिया कुमारी और जेक कपूर है, जबकि उनके भाई कुणाल कपूर ने श्रीना से शादी की जो एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी की बेटी है। बाद में जोड़े ने तलाक ले लिया। इस जोड़ी के दो बच्चे हैं जिनका नाम शायरा और जहाना कुणाल है। करण कपूर, आइए दोस्त एक नज़र डालते हैं करण कपूर की शिक्षा के बारे में। योग्यता की बात करूँ तो हाई स्कूल स्नातक पास हैं ये। करण कपूर करियर में पेशे में अभिनेता हैं, जाना जाता है लोहा फिल्म 1987 में रिलीज हुई फिल्म को काफ़ी डेब्यू फिल्म जुनूनी वेतन समीक्षा के तहत है। जितनी ये काम करेंगे उतना इनका पैसा होगा। नेटवर्क की बात करूँ $2 मिलियन लगभग हैं। परिवार और रिश्तेदार की बात करूँ तो पिता शशि कपूर, माँ जेनिफर केंडल, भाई कुणाल कपूर, सिस्टर संजना कपूर, विवाहित स्थिति विवाहित और पत्नी प्रेमिका लॉर्ना कपूर थे। बच्चे दो हैं, बेटे जैकी जैक कपूर और बेटी आलिया कपूर। करण कपूर पसंदीदा शौक अभिनेता पसंदीदा खान पिज़्ज़ा और पसंदीदा तंगताई की बात करूँ तो लंदन, सबसे ज़्यादा इनको घूमने में मज़ा वहीं आता है। पसंदीदा रंग की बात करूँ तो नीला और काला। तो दोस्त आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। और इनके बारे में कुछ और तथ्य आपको बता दूँ जो कि काफ़ी रोचक होने वाली है। करण कपूर के बारे में जानेंगे आज थोड़ी सी और जानकारी, गहराई जानकारी। इनका पूरा नाम करण कपूर, पेशा में अभिनेता और फोटोग्राफर दोनों थे। ऊंचाई में बात करूं तो 1.78 इनका सेंटीमीटर ऊंचाई था और अगर बात करूं फुट इंच में तो 5 फीट 10 इंच इनकी लगभग लंबाई थी। उसके बाद इनके बारे में कुछ, लगभग इनकी वजन 80 किलोग्राम था और 1.76 फाउंडेशन पाउंड में थे और आँखों की रंग हेजल ब्राउन था जो कि काफ़ी इनके ऊपर खिलते थे, बहुत अच्छे लगते थे उन्हीं की वजह से ये। और बालों का रंग बात करूँ तो नमक और काली मिर्च की रंग में थे। और जन्मतिथि की बात करूँ तो 18 जनवरी 1962 का इनका जन्म है। आयु की बात करूँ तो 55 वर्ष के हो चुके हैं। जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत में। राशि चक्र मकर राशि के ये हैं, राष्ट्रीयता भारतीय हैं। और गृह नगर की बात करूँ तो मुंबई महाराष्ट्र भारत, विद्यालय मुंबई इंडस्ट्रियल स्कूल मुंबई में है। और सहकर्मी की बात करूँ तो ज्ञात नहीं है। शैक्षणिक बात की बात करूँ तो योग्यता नहीं है इनकी। प्रथम प्रवेश बॉलीवुड June 1978 में, ब्रिटिश टीवी द ज्वेल इन द क्राउन में 1984 में हुआ था। परिवार की बात करूँ तो पिता शशि कपूर और माता जेनिफर कंडल, जो कि काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। और इनकी धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म। और शौक की इनको फिल्मी दुनिया से ज़्यादा इनको फोटोग्राफर में इनको ज़्यादा रोचक था इनका। और शिष्टता स्तर की बात करूँ तो विवाहित मामले में लॉर्ना कपूर इनके गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। और आइए कुछ सवाल करते हैं करण कपूर के बारे में। अगर आपको जानकारी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या करण कपूर धूम्रपान करते थे, यस या नो में जरूर जवाब दें। क्या करण कपूर शराब पीते थे, यस या नो में आप जरूर जवाब दें। और करण दिव्यांगत लोकप्रिय अभिनेता शशि कपूर के बेटे हैं। तो ये सारे चीज़ थी इनके बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे कि ये नशा करते थे या नहीं करते थे। दो सवालों का जवाब अगर आप सही सही देते हैं तो लगातार इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बने रहिए वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो बार बार पहुँचते रहे आपके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।